हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस नए धमाकेदार वीडियो में। क्या आप भी हुंडई एक्सटर को बुक करना चाहते हैं? तो कार को बुक करने से पहले यह वीडियो आप जरूर देखें। हमने इस वीडियो में हुंडई एक्सटर के 12 फायदे और 10 ऐसे नुकसान बताए हैं जिन्हें आप अगर कार ले रहे हैं तो देखना बनता है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले हुंडई एक्सटर के फायदे के बारे में हम जानते हैं। हुंडई एक्सटर लेने के फायदे में सबसे पहला फायदा यह है कि एच आकार का जो एलईडी डीआरएल है और उसके साथ साथ जो टेल लैम्प है वो क्रॉसओवर का लुक काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर देता है। और दूसरा जो ज़बरदस्त फायदा यह है कि दोस्तों आपको इसमें 4 सिलेंडर का रिफाइंड इंजन मिल जाता है जो कि आपकी ईंधन दक्षता है यानी कि आपको माइलेज देने में भी सक्षम है। और जो इसका तीसरा पॉइंट है, AMT और CNG वेरिएंट भी उपलब्ध है। अभी तक की पहली ऐसी गाड़ी है जिसके साथ साथ आपको CNG और ऑटोमेटिक साथ में ही इंट्रोड्यूस कराया गया है। मारुति और टाटा आदि की गाड़ी अगर आप ले रहे हैं उनके AMT से हुंडई का AMT काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और रिफाइंड है, अच्छी तरह ट्यून किया गया है। सस्पेंशन इतने अच्छे से ट्यून किए गए हैं इस कार के कि आपको गड्ढों पर धक्कों का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। सबसे ज़्यादा 391 लीटर का बूट स्पेस इस सेगमेंट में दिया जाता है दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज़ है ऑटो हेडलैम्प, क्रूज कंट्रोल, पैडल शिफ्टर, कनेक्टेड कार फीचर, वायरलेस चार्जर, रियर AC, बहुवासी वायरलेस कमांड जैसी सुविधाएं आपको दी जाती हैं दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है। 6 एयरबैग के साथ एक कार आती है दोस्तों और फर्स्ट इन सेगमेंट तो इसमें सनरूफ दी गई है जो वॉइस कमांड के थ्रू ओपन हो जाती है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट दिया गया है। ABS, ABD, ESC, VSM, हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर आपको दिए गए हैं और रियर पार्किंग सेंसर के साथ कैमरा आपको दिया गया है। ये तो था भैया इसका जो है पॉजिटिव साइड। आप नेगेटिव साइड की बात करते हैं यानी कि इसके कॉन्स की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहला तो मुझे लगा कि इसका आकार बहुत छोटा है। इसकी स्थिति मतलब जो उपस्थिति है सड़क पर, ये लोगों को उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। 1.2 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है इसका प्रदर्शन जो है ना, इसका जो परफॉर्मेंस है हाईवे पे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। जैसे आप टाटा पंच के बारे में कहते थे, सेम चीज़ इसके साथ भी होने जा रही है। और दोस्तों इसका जो है कि टर्बो पेट्रोल डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन नहीं दिया गया है इसमें। हाईवे पे ड्राइव करने के लिए सिट्रॉन C3 टर्बो जितना आकर्षक है उतनी ये गाड़ी नहीं है। हैंडलिंग, स्टीयरिंग और पतले टायर सबसे ज़्यादा उत्साही लोगों को पसंद नहीं आएंगे क्योंकि जो एंथुजियास्ट ड्राइवर होते हैं उन लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं दोस्तों। हल्के रंग के अतिरिक्त थीम, कोई दूसरी थीम ही उपलब्ध नहीं है दोस्तों। काले रंग का इंटीरियर हर किसी को पसंद नहीं आता है। हुंडई का बेज रंग का विकल्प पेश करना चाहिए था क्योंकि उसमें पेज कलर का जो इंटीरियर होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। पीछे की सीटों में 2 आदमी बैठ सकते हैं, वयस्क बंदे बैठ सकते हैं और एक बच्चा बैठ सकता है। 3 वयस्क पीछे की सीट पर बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते हैं दोस्तों। और इसमें ना बहुत सारे फीचर गायब हैं जैसे कि फॉग लैम्प आपको दिया नहीं जाता, रियर सेंटर आर्मरेस्ट की सुविधा दी नहीं गई है। और आपको दोस्तों इसमें 6 स्पीकर का साउंड सिस्टम मिलना चाहिए था दोस्तों, पर इस कार में सिर्फ 4 स्पीकर का ही सिस्टम दिया गया। तो दोस्तों यह है हुंडई एक्सटर की कहानी। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।